ये मैं हूँ, ये बबून का ट्रैक है और यहाँ पे खजल खवाड़ी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये पैदल ही करना सारा। 70 जिसने लानी है ना, टांगे भी अपनी एक्स्ट्रा साथ लाए। बाइकों वाले गायब। अस्सलाम वालेकुम। मोटे तो रख के ले जाने वाला काम है। मेरी हालत से आप अंदाजा लगा रहे होंगे, वो बड़ी अजी खबरें बड़ी खतरनाक आ रही हैं। तो सर जी, हमें एक जीप मिल गई है। हम लोग पहुंच गए हैं जागरा वैली। ये एक छोटा सा गांव है, अभी मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई है। और कोई ख़ास सहूलियात यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से आपको होटल क्या बल्कि बस बेड लगे हुए हैं, वो आपको अभी दिखा भी दूंगा। सिम आपकी यहाँ पे एसकॉम की चलेगी। अच्छा बताएं कि बाइक पे हमें जाना चाहिए बबून के, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या वजह क्या है उसकी? रोड हार्ड है। तो आप लोग कैसे जाते हैं उधर? हम तो गाड़ी पे जाते हैं, 4x4 गाड़ी पे जाते हैं। अच्छा, वो कितना पैसे लेती है 4x4? वो 6,500 रुपये लेती है। मैंने सुबह प्लान किया है कि बबून जाना है और ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाइक पे ना जाओ, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वैसे भी आप एक बाइक पे दो सिंगल का चांस लिया जा सकता है, लेकिन आप सिंगल भी ना जाओ, रोड जो है ना बबून का बहुत ज़्यादा ख़राब है। हार्ड है, हार्ड रोड है। हाँ हाँ, तो आप वो कह रहे हैं 4x4 पे जाओ, बाइक पे ना जाओ। तो अब देखते हैं, अभी हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, और सुबह के इस टाइम 5:30 हो गए हैं। अगर आप लोग जो है ना बबून वैली आना चाहते हैं ना, तो छोटा सा एक गाइड सुन लें। सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आपने आना है मुजफ्फराबाद, जो कि तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। उसके बाद आपने आना है कुंडल शाही, जो कि 98 किलोमीटर है और इसे तकरीबन 3 घंटों में तय किया जाता है। कुंडल शाही का जो चौक है ना, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। उस चौक से आपने लेफ़्ट टर्न करना है, वहाँ पर लिखा होगा जागरा, आपने जागरा की तरफ टर्न करना है और तकरीबन 1 घंटा जो है ना आपको लगेगा जागरा पहुँचने में। और जागरा जब आप पहुँचेंगे तो जागरा आप स्टे करें जैसा कि हम लोगों ने किया। उसके बाद सुबह सुबह उठना है और यहाँ से आपने जीप करवानी है। ये जीप आप देख लें, ये तकरीबन 6,000 रुपया मांगते हैं जीप का, और ये आपको लेके भी जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे। तो ये जीप का ट्रैक है बबून, और बाइक पे लोग हमें मना कर रहे हैं कि आप बाइक पे ना जाओ, लेकिन हम ट्राई करेंगे पहले कि बाइक पे चले जाएं। जागरा में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 जो है ना होटल बने हुए हैं रहने के लिए, और इनका रेंट ये तकरीबन मांगते हैं, शायद अभी ऑफ सीज़न है, इन्होंने 1500 रुपया मांगा था और मैंने इनसे 1000 रुपये में फ़ाइनल किया। तो सीज़न होगा तो शायद ये 2000 तक ले लेंगे। सस्ता ही होटल है, लेकिन होटल काफ़ी नॉर्मल है, बिस्तर भी ख़ास नहीं है ना, रूम अच्छा है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये पैदल ही करना सारा। 70 जिसने लानी है ना, टांगे भी अपनी एक्स्ट्रा साथ लाए। बाइकों वाले गायब और व्लॉगर साहब पीछे पीछे। एक बार फिर बाइक पे बैठने की बारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं वेट करूंगा CD70 का, उसको भी यहाँ से धक्का लगाना पड़ेगा। ये चढ़ाई बड़ी हैवी आ गई थी, मैं यहाँ उतर गया हूँ।
मोटे ते रख के ले जाने वाला काम है। मेरी हालत से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस कदर मुश्किल ट्रैक है। हाइकिंग मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन ये हाइकिंग नहीं है। यहाँ पे बाइक को धक्का लगाना पड़ रहा है। सीडी 70 बहुत जोर ले रही है और ये बाइक गिर भी गई है। अभी मैं देखता हूँ। ले जी हालात देख ले आप। वो पड़ी है जीएस, हमारी जीएस 150 जो है ना अभी गिरी थी, आपने वीडियो में देखा, और उसके बाद इसने गियर पकड़ना छोड़ दिया। तो अब मेरी बाइक ने साथ नहीं दिया मेरा, लेकिन हम अब पैदल जा रहे हैं। चप्पल में जा रहे हैं बबून टॉप। ये मैं हूँ, ये बबून का ट्रैक है और यहाँ पे खजल खवाड़ी हो रही है। सर जी ट्रैक है कि प्लेन है, उन्हें का नाम ही नहीं ले रहा। मुसलसल यूं आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और बारिश में आपने बिल्कुल नहीं आना। बारिश में यहाँ बिल्कुल स्लिपरी ट्रैक हो जाएगा और आप स्लाइड ही लेंगे नीचे सीधा, आधे घंटे में आप जागरा पहुँच जाएंगे। अच्छा कितना रह गया आगे बाबून? आगे तकरीबन आप लोगों के लिए 4 घंटे लग सकते हैं। आप लोग 4 घंटे? आपको कितना टाइम लगेगा? हमें 2 घंटे इंशाल्लाह। आपने सुन लिया कि भाई साहब कह रहे हैं अभी आपको मजीद 4 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग तो तकरीबन आधे घंटे का सीन बना लिया था वो पहाड़ देख के। खबरें बड़ी खतरनाक आ रही हैं। अभी भी 4 घंटे तो मेरे ख्याल से आप 3 घंटे चल गए या फिर आगे 4 घंटे? 1, 2, 3, 4। सर जी हमें एक जीप मिल गई है, तकरीबन हम 6 घंटे से यहाँ दलील हो रहे हैं, और अब एक जीप गुजरी है और हमने लिफ्ट मांगी और उन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया। अब बाकी का सफर हम जीप में करेंगे। वो मेपल पिका पिका देना मुत्रिप शनर बाबा। वस पर ले दे चावच ले हर ख्वात विनी विनी चमन वीरान वीरान दे नाम बिलस्तन गुलाब। फाइनली हम लोग बबून वैली पहुंच गए हैं, और कैसे पहुंचे हैं ये आपको पता ही है। और टाइम आपको बता दूं, तकरीबन 7 घंटे हमें लगे हैं बबून वैली पहुंचने के लिए, जिसमें से हमने अपने सफ़र का आगाज़ बाइक से किया था। बाइक होगी ख़राब, उसके बाद हमने पैदल ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पैदल ट्रैकिंग से जब हमारी बस होगी, मतलब हमारे पास ना पानी था ना खाने को कुछ था, खाली हाथ, तो फिर कुछ जो है ना, मुजफ़्फ़राबाद के कुछ दोस्त एक जीप पे सफ़र कर रहे थे, वो बबून आ रहे थे, तो उन्होंने हमें अपने साथ बिठा लिया।
जिसकी वजह से हम लोग जो है ना तकरीबन 2 बजे बबून पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमें ये जीप लिफ्ट ना देती तो हम लोग शाम को यहाँ तकरीबन 7 बजे पहुंचना था हमने। बबून वैली की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 12731 फीट है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। और अगर आप सर्दी को एंजॉय करना चाहते हैं ना तो आप बबून वैली ज़रूर आइएगा। अच्छा, अगर आप बबून में स्टे करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर स्टे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो है ना 9 से 10 कैंप लगे हुए हैं। कैंप का आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, बिस्तर भी लगे हुए हैं। अच्छा, अभी कैंप का मैंने रेट पता किया तो ये कह रहे हैं कि 3000 रुपये में आपको ये कैंप मिलेगा। और खाने में चिकन कढ़ाई है इनके पास वो 2000 रुपये की, चिकन बिरयानी 300 रुपये की, और अगर आप सब्ज़ी खाएंगे तो 250 रुपये की, और रोटी उसके साथ आप फ्री मिलेगी, और चाय यहाँ पर 80 रुपये की है। अब टेंशन हमें ये है कि हमारी बाइक खड़ी है नीचे और वो भी ख़राब। अब वापस जाना है और उसको ठीक करवाना है। सुजुकी का यहाँ पे कारीगर भी नहीं मिलेगा, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और अब हमारे वापस जाने का वक्त आ गया है क्योंकि हमें वापसी के लिए भी एक जीप मिल गई है।